हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम जी। एम आई ऑडिबल लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी? जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उनके से उतार देता हूँ मैं। माशाल्लाह, गुड स्ट्रेंथ जी। स्टडी रिवर, आर यू रेडी? ओके, मेक इट अ लाइव स्ट्रीम देन आई विल बिगिन। और प्लीज मुझे को होस्ट, हाँ को होस्ट आपने बना दिया हुआ है। मुझे ईयरपॉड्स लगाने चाहिए। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या मैं ईयरपॉड्स लगाऊं? प्लीज गिव मी सजेशन। क्लियर है? ओके जी, चलें, क्लियर है तो हम नहीं लगाते, हम क्यों लगाए ऐसे फजूल में? ईयरपॉड्स, ईयरपॉड्स लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर वालों के वोट ज्यादा हैं यार। चलो मैं ट्राई कर लेता हूं, अगर ईयरपॉड्स लग जाए। जी, अब मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? पहले से बेहतर है? चलिए, ठीक हो गया जी। जी सो आई डोंट नो वी आर लाइव और नॉट। स्टडी रिवर, आर यू देयर? व्हेन वी आर गोइंग लाइव भाई, बता दो जल्दी, बात शुरू करें। अच्छा, वी आर लाइव। ओके ठीक है। लाइव यूट्यूब पे है हम या फेसबुक पे हैं? ओके ठीक है जी। असल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज वकास इकबाल, योर मेंटोर फॉर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग और ट्राइंग टू डिस्क्लोज द अपकमिंग पेपर और द टॉपिक्स which can come in the current affairs paper of CSS 2024. Actually, I have been asked many a times that people or the candidates are interested to have a session. Some will call it a revision session, some will call it rehearsal session, some will call it crash course type session, but at least they have a mentor's interaction to show their writings, questions, answers, or to have a revised version of what can come in the CSS Current Affairs and PAC Affairs 2024. Because suppose someone have studied with me or with any other mentor, let's say in July, in June, in August, so now they need to refresh.
देयर नॉलेज और देयर शॉर्टकमिंग्स और देयर कंफ्यूजन्स और देयर थॉट्स और एनीथिंग दे वांटेड टू शेयर विद अ पर्सन हुम दे कैन गेट अ सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक. सो फ्रॉम द फर्स्ट फेब्रुअरी वी गोना बिगिन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर ए मैराथन सेशन ऑफ 1 वीक. इन दिस सेशन वी शैल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ऑल द अपकमिंग टॉपिक्स एंड रिगार्डिंग दैट आई ऑल्सो शेयर द मटीरियल. एंड इन दैट सेशन आई विल ऑल्सो चेक योर राइटिंग्स. राइटिंग्स मीन्स इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन आई विल चेक द आंसर. एंड इन दैट वी शैल डिस्कस द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स दैट हाउ वन शुड क्रैक द स्टेटमेंट ऑफ अ क्वेश्चन. सपोज मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स विद कैंडिडेट्स वेदर बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट सिंड्रोम. Many of you people have watched 12th Fail movie recently, right? And in that, you have seen when the guy, the hero, Manoj, when he was fully prepared for the UPSC exam, but he was writing very fast in the exam, but he couldn't realize that the essay was on tourism. And he wrote on terrorism in India. So this happens with the students. That is why a marathon rehearsal session is required. And for that matter, I'm here. In today's session, the class will be open for your questions. Any queries related to CSS 2024, specifically current affairs and park affairs, raise the hand in the meeting. And then I will unmute you first, then I'll address. And those of you who will register this 1 week session with a very minimal fee, you can join me for 1 week marathon session, 1st February to 10th February, right? Not 1 week, it's a rather 10 days session. जी जनाब सहल टू एवरीवन. ये पता नहीं क्या चैट व्हाट्सएप वाले लिंक शेयर हो रहे हैं. एनीवेज सो प्लीज रेज योर हैंड आस्क योर क्यूरी रिगार्डिंग सीएसएस 2024 करंट अफेयर्स एंड पार्क अफेयर्स. जी जनाब पहला सवाल किसका होगा. सर आज डेमो क्लास है. बेटा आज डेमो क्लास है. डेमो क्लास में भी मैं हमेशा पहले क्वेश्चन ही पूछता हूँ स्टूडेंट से. आप एक पेपर देना चाहते हैं और उसके हवाले से आपका कोई सवाल ही नहीं, तो फिर आप उस पेपर की तैयारी कैसे कर सकेंगे, राइट? जी डॉक्टर चौधरी. जी डॉक्टर चौधरी अनम्यूट योर सेल्फ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पहले भी मैं एक अटेम्प्ट रेडी दे चुका हूँ सर 2022 वाली। तो सर मुझे प्रॉब्लम ये आता है कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। बहुत मुश्किल से होता है कि मैं एक क्वेश्चन में एक मैप बनाता हूँ और वो एक मैप तकरीबन मेरा 3 मिनट, जबकि लेबलिंग वगैरह भी सारी तो 3 मिनट सर मुझे लग जाते हैं। इसमें 10 मिनट में मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। अगर मैं इंग्लिश को ज़रा कंसीडर करके लिखूँ कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा ठीक रहे, तो सर इस तरह मैं मुश्किल से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ और जो फोर्थ वाला है उसका इंट्रोडक्शन या साथ में थोड़ा सा एक या दो हेडिंग कर सकता हूँ। तो सर इसको कैसे प्रैक्टिस सर मैं कर रहा हूँ लेकिन इससे भी मैं कोई अच्छा खासा फ़र्क नहीं डाल पाया आपने। इसमें सर काइंडली मुझे कोई सजेशन दे दीजिए आपने 24 में अपियर होने. इंशाल्लाह सर। अच्छा ये जितने लोग चैट में क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आई वॉन्ट बी एबल टू एड्रेस देयर क्वेश्चंस. आई एम टेलिंग यू इन एडवांस. जिस तरह चौधरी साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया है आप भी अपने ये चैट वाले क्वेश्चन ओपनली करें. आपको मौका दिया जाएगा तो देन आई विल एड्रेस इट. ठीक है तो डॉक्टर साहब बात ये है कि आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा है कि आप बड़ा कंसर्न है
बहुत आपको ख्याल रहता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इजंट इट? ऐसा ही है? जी सर। तो दैट मींस प्लीज डोंट माइंड, आप इंग्लिश फोबिया का शिकार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसका शिकार होते हैं, क्योंकि हम अक्सर उर्दू मीडियम से या हम ऐसे मीडियम से पढ़ के आते हैं जिसमें कोई अंग्रेजी लिखने की तरफ हमें इतनी ज्यादा हौसला अफजाई नहीं की जाती। अब आप अटेम्प्ट दे के भी देख चुके हैं और आपने सारी सूरत हाल बता दी है, तो इसमें अपने क्या कहते हैं, मैं यही कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ अपने इंग्लिश फोबिया को कम करने की जरूरत है। और उसमें ये है कि अगर आपने यकीनन तैयारी की है, पहले अटेम्प्ट्स भी दिए है, तो चेक करवाई ही होंगी चीजें मेंटोर्स को, टीचर्स को। तो मुझे नहीं पता क्या जो है फीडबैक आपको आपकी इंग्लिश राइटिंग पे मिला है आपके मेंटोर से, बता सकते हैं जरा आप मुझे? नहीं सर, मैंने बिल्कुल करवाई है सर। 3-4 मतलब डिफरेंट कोर्सेज एनरोल करवाए हैं जो कि मॉक्स हैं, लेकिन सर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे लिए है। कमेंट नहीं आया कोई भी इंग्लिश के हवाले से। अगर अच्छा, फिर सुन कोई ले गलती भी सुन रही ले है तो फिर भी सुन मतलब सुन नहीं ले आया। सुन जी ले सर। आप हर आंसर में मैप बनाते, सर कम अज कम एक मैप या एक ग्राफ या इस तरह कुछ ना कुछ। यार देखें मेरी बात सुने, इन चीजों से बाहर निकलें। चीजों से मुराद ये कि बाज़ औकात चार सवाल ऐसे के ऐसे भी करने पड़ जाते हैं जिसमें कि मैप की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, मतलब मैप इज समथिंग वेरी गुड, मैप बनाने वाले इंडो पाक हिस्ट्री में भी बनाते हैं, बट इफ इट फिट्स टू द आंसर, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा मैं 3 मिनट देता हूं मैप बनाने को, अगर बनाना पड़े परफेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि पैराग्राफ, आप कह रहे हैं मेरी प्रैक्टिस से फायदा नहीं हो रहा, तो आप एक स्टडी पार्टनर ढूंढें जो आपके सर के ऊपर बैठे उस टाइम और आपको स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंगली टाइम दे कि आपने इसमें लिखना है। यकीनन आपसे पहली दफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक हफ्ता ये मैराथन एक्सरसाइज करेंगे किसी को साथ बैठा के, तो फिर ये मसला शायद हल हो जाए, ये अकेले नहीं हल होने वाला। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एकेडमीज आप पे इतनी तवज्जो देंगी ही, राइट, तो वो नहीं देंगी, उनके पास रश बहुत होता है, राइट बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी। हो गया एड्रेस आपका क्वेश्चन? इंशाल्लाह सर कोशिश करूंगा। गुड लक, गुड लक। अच्छा जी, अब्दुल फतह जी, अब्दुल फतह, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम असलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपका क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सर मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है उसमें मुझे जो मसला पेश है वो ये है कि इसका जो हिस्ट्री पोर्शन है मतलब 1947 से पहले जिसमें जो स्कॉलर्स हैं हमारे सर सैयद अहमद खान वगैरह वो जो सारा पार्ट है यानी हिस्ट्री के लिए रिलेटेड, सर उसमें से कितना पार्ट जो है वो अच्छी तरह कवर होना चाहिए या कितने मैक्सिमम क्वेश्चन या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरह की वो काइंडली ज़रा सम अप कर दीजिए। आपकी आपकी ये पहली अटेम्प्ट है बच्ची? जी सर ये पहली अटेम्प्ट है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो सीएसएस का एग्जाम है, ये अब अगर आप लोग, मुझे नहीं पता आपने इसके पुराने पेपर्स देखे नहीं देखे, लेकिन अक्सर बहुत कम देखे होते हैं कैंडिडेट्स ने, तो सीएसएस के एग्जाम में पाक अफेयर्स के लिए ज्यादातर सवाल 47 और उसके बाद का जो पाकिस्तान है 76 ईयर्स का, उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जी जो सर है आपका अपना पीएमएस का एग्जाम पंजाब वाला, इसमें अब भी रुझान ये है कि 1857 से 47 वाला जो दौरानिया है पाकिस्तान मूवमेंट का, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जी सर अब ज्यादातर लोग दोनों एग्जाम्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा उनको मशवरा है कि जब सीएसएस का एग्जाम, जैसे कि अभी वो पहले आ रहा है, करीब है, तो आपका पूरा फोकस 47 और उससे बाद के वाकयात पे होना चाहिए। आप हिस्ट्री के चक्कर में मिस्ट्री ना बने, और पीछे से आपको एक टॉपिक अच्छा तैयार करना है जो मैं अपने सेशन में करवाऊंगा अभी, और उसमें सारा कुछ खुद बहुत कवर हो जाएगा, वो है टू नेशन थ्योरी और उसका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनना। अगर ये एक टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो फिर जरूरत नहीं रहती कि पूरी आप 1857 से 47 तक हिस्ट्री को छान मारें। तो सीएसएस की हद तक तो दैट विल वर्क वेल, बट वेन द टाइम ऑफ पीएमएस विल कम, देन यू विल गो फॉर फर्दर डिग आउट 1857 टू 1947 जी। आलिया सफदर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सर, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन बहुत जनरल सा है कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक जब तेज तेज सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, दोबारा अगर मैं जैसे करती हूँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ लिख लूँ, तो जब दोबारा उसे रिवाइज लाइक वो पढ़ती हूँ दोबारा, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ ना कुछ छोटा मोटा अगर कुछ निकल आया बीच में, कुछ कोई वर्ड मिस हो गया, वो जब लिखे तो वो ऊपर, एक तो ये भी कहा जाता है ना कि कटिंग नहीं होनी चाहिए ये इस तरह, नहीं तो वो फिर हम कैसे बीच में वो करें अगर कुछ थोड़ी सी गलती बाद में नजर आ जाए तो। लेकिन थोड़ी बहुत कटिंग की तो कोई बात नहीं होती। कटिंग डजेंट मीन के पूरे सफे के ऊपर दो लाइनें ठीक लिखी नजर आ रही हो, बाकी इधर से भी काटा उधर से भी काटा, ये वो, इस तरह की चीज को कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको दुरुस्त कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज से फील फ्री टू डू दैट। जी जनाब, किसी और का कोई सवाल? आलिया सफदर ही हैं फिर। चलें जी, आलिया सफदर बोलिए। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। अच्छा जी, चलें ठीक है। हाँ जी, अब किसी और का सवाल? वालेकुम सलाम मास्टर जी। मास्टर साहब, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स क्वेश्चंस को एक ही तरह डील किया जाता है, ये फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये मुख्तलिफ पेपर्स हैं, उनके मुख्तलिफ जार्गन्स होते हैं, तो क्या करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के दरमियान भी कोई ऐसा फर्क है, या फिर हम लोग इन्हें एक ही तरह डील करेंगे? देखें, बहुत सीधी सी बात है मास्टर साहब, के पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपका एनालिसिस पाकिस्तान सेंट्रिक होना चाहिए, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है। समटाइम ऐसा क्वेश्चन होगा जो रीजनल इशू पे पूछा जाएगा, बट उसके ऊपर जो एनालिसिस है वो फिर चाहिए होगा आपको ग्लोबल भी। जैसे अगर एससीओ की बात पूछी जाती है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें आपको यूएस का भी जिक्र करना पड़ेगा, चाइना और रशिया की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। क्या वाकई एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेटो से कोई मुआजना या मुकाबला है? राइट, तो ये फिर ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे बात चली जाएगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना मैंडेटरी होता रह गया। टर्मिनोलॉजी और जार्गन्स की बात, तो आईआर तो बकायदा एक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर सिर्फ एक पेपर है। तो आईआर जो सा है उसमें तो आप बाउंड हैं कि आप उसका जार्गन, उसके कॉन्सेप्ट और जहां जहां रिक्वायर्ड है थ्योरेटिकल लिटरेचर या थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करें। तो अपने क्या कहते हैं, अगर आपने आईआर नहीं रखा हुआ तो आपसे एक जनरल लेवल का एनालिसिस रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी एक मैं चलते चलते चैट पे एक सवाल नजर आया कि क्या इंडो पाक का पाक अफेयर से कोई लिंक है? बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। ये पुराने दौर की बातें हैं जब कभी पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस पुराना वाला होता था, तो उसमें जो है फिर वो अपने क्या कहते हैं बहुत सारा हिस्ट्री का पोर्शन होता था 47 से पहले वाली का। तो ये एक तासुर पाया जाता था कि इंडो पाक रखने का फायदा ये है कि पाक अफेयर्स का पेपर कवर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। जी, किसी और का कोई सवाल? सर मैंने इंटर एंड बैचलर, बच्चे यही सवाल जो चैट में लिख रहे हैं ना, हैंड रेज करके पूछें। और मैं बता दूं कि ये सेशन जो मैं अभी कर रहा हूं ये CSS 2024 वालों के लिए है। राइट, तो CSS 2024 वाले अगर मुझसे सवाल कर लें तो उनको फायदा ज्यादा हो जाएगा, और जिन्होंने CSS 2025 में अपियर होना है या लॉन्ग टर्म CSS का प्लान है तो वो बाद में किसी सेशन में मुझसे जरूर पूछ ले। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल प्रायोरिटी CSS 2024 वाले होने चाहिए। जमीउल्ला, जमीउल्ला अनम्यूट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स में कौन सी एरियाज से क्वेश्चन आएंगे, जो लेटेस्ट है या जो, ये बता दे कौन सी एरिया से सर आएंगे?
अच्छा जी, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। मैं एक क्वेश्चन और भी ले लूं। एम इस्माइल जी, इस्माइल आप भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था, वालेकुम मैंने सलाम। ऑप्शनल बिजनेस ना ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्जेक्ट करने थे जिसके अंदर बिजनेस ऐड जो है ना वो मेरा बैकग्राउंड लगता है, तो इसके साथ मैं कौन से और ऑप्शन चूज कर सकता हूँ रिकमेंड में? बेटे, CSS एक ऐसा एग्जाम है ना कि उसमें हर जगह आपकी पसंद के ऑप्शंस ओवरलैप नहीं करेंगे, और आप तो मेरे ख्याल 2025 के कैंडिडेट हैं। मैं यही कहूंगा कि इकोनॉमिक्स शायद उसके साथ ज्यादा जेल करेगी। इसके अलावा मैं बिजनेस एड के साथ कुछ सजेशन नहीं दे सकता, बट आप इस पे फोकस करें जी। अनुशे मलिक, अनुशे मलिक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम असलम। वालेकुम हेलो जी, आप सर, हेलो सर, ऑडिबल मैंने हैं, ये बोलिए। पूछना था कि सर मैंने ये पूछना था कि पाक अफेयर्स का पीएमएस पंजाब का पेपर उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ है तो कर सकते हैं। वो लिखा हुआ होता है बाकायदा उनके रूल्स में कि जनाब ये पेपर उर्दू में दिए जा सकते हैं या नहीं, तो ये तो आपको रूल्स देखने पड़ेंगे। गजल, शायराना नाम है जी। गजल, अस्सलाम वालेकुम असलाम। सर, ये मुझे पूछना था फिर जो हम करंट अफेयर और पाक अफेयर जो उसके आगे तैयारी करेंगे तो फिर 1947 से पीछे वाला कुछ ना पड़े? मैंने बताया कि टू नेशन थ्योरी वाला एक टॉपिक पढ़ना चाहिए। और देखिए, मेरी एक बात सुने, आप लोग हैं कैंडिडेट, ठीक है, आप लोग ने बैचलर्स किया हुआ है या जो भी लास्ट डिग्री की हुई है, बट CSS आप लोगों के लिए एक नई चीज है, राइट? तो इस नई चीज के आपके जहन में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जो आप खुद नहीं हल कर पाते। ये आपको अभी लग रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे बाकायदा एक फॉर्मेट के मुताबिक, जिस तरह मैं आपको लेके चलूंगा, तो फिर आपको फायदा होगा। और मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप CSS के सबका पेपर जाके देखें। ज्यादातर सवाल जो है, 95% क्वेश्चन जो है वो 47 से, जब से पाकिस्तान बन गया है तब से लेके अब तक के मामलात पे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एक ने सवाल पूछा था मुझसे कि जी करंट अफेयर के सवाल कहाँ से आएंगे। जी, करंट अफेयर के सवाल की ना तीन स्टेजेस होती हैं। ये वाली स्टेज जो है वो है इंटरनेशनल, ये वाली स्टेज है रीजनल, ये वाली स्टेज है पाकिस्तान का करंट अफेयर्स। अब जो ये वाली स्टेज है, जैसे US और चाइना का कंपटीशन जो चल रहा है, इसमें सवाल आ जाए तो ये इंटरनेशनल सवाल कहलाएगा। नेटो के ऊपर सवाल आएगा तो इंटरनेशनल सवाल कहलाएगा। यूक्रेन के ऊपर सवाल आएगा तो इंटरनेशनल सवाल कहलाएगा, यानी ये इंटरनेशनल लेवल का इशू कहलाएगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इम्पैक्ट डाल दे सकती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, वो सवाल आएगा तो वो भी इंटरनेशनल क्वेश्चन कहलाएगा, इंटरनेशनल लेवल का। इसी तरह आप रीजनल लेवल की बात करें तो मिडल ईस्ट के ऊपर, चाहे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए, चाहे गजा इजराइल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए, चाहे एनर्जी पॉलिटिक्स के हवाले से क्वेश्चन आए, क्योंकि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की 2023 में दोस्ती कराई एक मुआहदे के जरिए, और इनके दरमियान तिजारती और सफारती ताल्लुकात बहाल करवाए, तो ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। इसको, इसमें मिडल ईस्ट रीजन डिस्कस हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो पाकिस्तान के दीगर मामलात हैं, जिधर से हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें पाकिस्तान का करंट अफेयर्स में आती हैं। मिसाल के तौर पे टेररिज्म रिलेटेड पाकिस्तान क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान रिलेटेड पाकिस्तान क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे पाक US रिलेशंस का क्वेश्चन, पाक रशिया रिलेशंस का क्वेश्चन, पाक टर्की रिलेशंस का क्वेश्चन, पाक इंडिया, पाक ईरान और पाक चाइना रिलेशन का क्वेश्चन, CPEC रिलेटेड क्वेश्चन, BRI रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें आ जाती हैं पाकिस्तान रिलेटेड अपना करंट अफेयर्स के अंदर। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दें। देखें, आप लोगों को स्टडी रिवर का भी पता है, आप लोगों को मेरा भी पता है। मेरा नाम है वकास इकबाल, ठीक है।
मेरा फेसबुक पे मेरी ही तस्वीर लगी हुई है, स्टडी रिवर पे स्टडी रिवर का लोगो लगा हुआ है। तो एक कल नहीं परसों तक जो है मैं उसको स्लाइड्स की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको मैं इन फेसबुक पेजेस पे शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी रील्स जो हैं वो आपके सामने आती ही रहती हैं मेरी, या छोटी छोटी जो 1 मिनट की वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो आते रहते हैं। मेरे ही नाम से वकास इकबाल के नाम से यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, वहां पे भी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जी मेन डिफरेंस क्या होता है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। भाई सीधा साधा डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स के तमाम सवाल जो होते हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, जबकि करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो बैनुल अक़वामी मामला, तो वो इलाकाई मामला यानी रीजनल इश्यूज जैसे कि मैंने अभी मेंशन किए, और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड भी होते हैं। अभी मैं आपको अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो उसमें देखें कि इस वक्त दुनिया में जो साल 2024 है ये बड़ा अहम साल है इलेक्शन के हवाले से। इसकी अहमियत को आप यूं देख सकते हैं कि दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक में इलेक्शन 2024 में होना है, लेकिन आप 80 के 80 ममालिक को तो नहीं फॉलो अप कर सकेंगे, बट आप उसमें से चुन लेंगे कुछ अहम कंट्रीज। अब जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है नवंबर 2024 में, इंडिया में इलेक्शन होना है अप्रैल मई में, पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, पता नहीं होता है नहीं होता है, इंटरनेट होता है नहीं होता है, हमें नहीं पता, लेकिन 8 फरवरी डेट आई हुई है। बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुका है 2 हफ्ते पहले, श्रीलंका में भी इलेक्शन होना है इसी साल 2024 में, इसके अलावा रशिया में इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन और उनके रिजल्ट्स, बल्कि यूरोपीय यूनियन का भी इलेक्शन होना है, और यूरोपीय यूनियन में अभी तक तो डॉन जो है ना वो जर्मनी है, लेकिन सियासत में किसी भी चीज का कुछ पता नहीं होता कि हो सकता है कि कोई और चीज स्टेट उभर के सामने आ जाए। तो इन इलेक्शंस का फिर आगे जाके इंटरनेशनल पॉलिसीज, रीजनल पॉलिसीज और स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज पे बड़ा गहरा असर होना है। तो इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है सीएसएस 2024 के करंट अफेयर्स के लिए हवाले से। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम। तो आपको पता है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं और हर चीज सिक्योरिटी सेंट्रिक होती है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसको आप कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, फूड सिक्योरिटी को इंटरनेशनल ग्लोबल चैलेंज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, फूड सिक्योरिटी को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। अभी इस साल जो SIFC है, स्पेशल इनिशिएटिव फाइनेंस काउंसिल शायद उसका नाम है, जिसमें सिविल के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल है, उसने क्या लिया है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इज टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो वो किस लिए एनहांस करनी है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मामलों को बेहतर किया जा सके, फूड इनसिक्योरिटी ना होनी दी जाए। आटा बहुत महंगा हो गया हुआ है और आटे और उसकी बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हुई हैं। तो ये है एक कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये है कि समिट्स जो इम्पोर्टेंट हुई हैं साल 2000 अपना क्या कहते हैं 23 में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट जो BRI अक्टूबर वाली समिट हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ब्रिक्स की जो समिट हुई वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसमें 4 या 5 नए मेंबर कंट्रीज डाले जा रहे हैं, सऊदी अरब भी उसको ज्वाइन करने जा रहा है, ईरान भी ज्वाइन करने जा रहा है, UAE भी ज्वाइन करने जा रहा है, और खास बात यह है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो अब ब्रिक्स जिसको कि लीड चाइना कर रहा है वो आने वाले दौर में क्या कर सकती है इस एक्सपेंशन के साथ। तो ये एक बहुत ही अहम समिट है और उसका ये आउटकम है जिसपे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। SCOP समिट भी 2023 में हुई है। इसराइल गाजा इशू इन टर्म्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन एंड वन स्टेट सोल्यूशन भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसके साथ साथ अपना क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में ईरान का रोल, सऊदी अरेबिया का रोल और चाइना और US का जो पावर कंपटीशन मिडिल ईस्ट में मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है वो भी पूछा जा सकता है। तो OIC की परफॉर्मेंस भी पूछी जा सकती है।
अब मैंने आपको पूरी करंट अफेयर कॉफी पिला दी है और मैं खुद भी कॉफी पी रहा हूं। अब आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चन? मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि इतने सारे लोग सीएसएस 2024 वाले इस सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, बट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। पता नहीं क्यों घबराते हैं यार। जी सदाकत, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ ऑफ ए क्वेश्चन? देयर शुड बी नो आइडियल लेंथ ऑफ अ क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। समटाइम क्वेश्चन इटसेल्फ इज टू लेंथी, यू कैन नॉट अप्लाई टू अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन दैट। समटाइम इट इज नॉर्मल। नॉर्मल रेंज मीन्स सपोज इफ यू एड ऑन 5 to 6 पैराग्राफ्स और 8 पैराग्राफ, दैट इज नॉर्मल। बट समटाइम क्वेश्चन इटसेल्फ इज लेंथी, इट हैज 3 पार्ट्स और मोर देन 3 पार्ट्स और इट नीड्स मोर डिटेल्स, तो फिर क्या है, आपको लेंथी भी लिखना पड़ जाता है। तो इसकी कोई आइडियल लेंथ नहीं होती, ना ही ये गेट ना आपके चेक किया जा रहा होता है। तो जो पूछा गया है अगर आपने वो बता दिया है तो जो लिखा है वो काफी है। जी जमीउल्ला साहब फिर आ गए हैं। अच्छा सर, ये पूछना था कि क्वेश्चन तो एनालिटिकल बेस पे आएंगे ना सर। सर हमारा जो फॉर एग्जांपल एक गजा वार पे आता है, तो हिस्टोरिकली भी हम जाएंगे या जो करंट जो वहाँ पे जो इश्यू चल रहा है वो डिस्क्राइब यार करेंगे सर? बेटा ये सारी बातें ना क्वेश्चन को देख के की जाती हैं। आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मुराद ये होती है कि अगर वो लिखना पड़ भी जाए तो एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होती। क्लासेस ऑनलाइन होंगी, फिजिकल स्पेस में नहीं होंगी सारा। अच्छा, तो जितने भी लोग जिस जिस भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं वो इस मसले से बाहर आ जाएं कि आपको पूरे का पूरा बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सिर्फ एक जो है आपको पैराग्राफ में उस बेसिक डिटेल्स उसकी बतानी है। ठीक है जी। जी जनाब अब बताएं। किसी और का कोई सवाल? अच्छा चले, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं पैलेस्टाइन वाले इशू का और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। देखिए बैकग्राउंड अब मैं बताने जा रहा हूं और आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि ऑटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर से निकलने वाले नए स्टेट्स वर्ल्ड मैप पर सामने आए और उन स्टेट्स की जो बॉर्डर्स, जो हदबंदियां थी वो ड्रॉ की ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके, क्योंकि ये विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के, और वो फ्रंटियर्स ड्रॉ इन्होंने किए तो उससे काफी सारे डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आई, और जो डिस्प्यूट सेटल ना हो सके उनको इन दोनों उस वक्त की ग्रेट पावर्स ने यूं हैंडल किया के अपना ये जो है वो मैंडेट सिस्टम, लीग ऑफ नेशंस उस टाइम होती थी, उसका एक चैप्टर था मैंडेट सिस्टम, यानी जिस खत्ताए जमीन पे तनाजा हो और फैसला ना हो पा रहा हो, ये बजाते खुद एक मुल्क है या किसी और मुल्क का हिस्सा है, तो उसको पेट्रनाइजेशन में ले लिया जाता था लीग ऑफ नेशन की। अब लीग ऑफ नेशन कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी तो थी नहीं, कोई उसकी अपनी अफरादी कुव्वत तो होती नहीं थी, तो वो किसी और स्टेट को कहती थी कि आप मेरे बिहाफ पे इस स्टेट को गवर्न करें, जब तक के इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मैंडेट टेरिटरी में रहेगी। तो फिर जो है ये स्टडी रिवर, जरा फी बता दें, लोग बहुत पूछ रहे हैं, फी बता दें जरा प्लीज। अच्छा, तो अपना क्या कहते हैं उसमें क्या था कि मैंडेट सिस्टम में, मैंडेट सिस्टम जो पैलेस्टाइन का दिया गया वो ब्रिटेन को मिला। अब वर्ल्ड वॉर 1 अभी खत्म भी नहीं हुई थी, तो 1917 में जियोनिस्ट वो यहूदियों की एक तहरीक थी जिन्होंने 1893 में एक तहरीक का आगाज किया कि यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
और इन्हें अपना एक वतन चाहिए जो कि उस मुकद्दस सरजमीन पे हो जहां पे इनकी इबादत और सारा सिलसिला मौजूद है। तो इन्होंने उस तहरीक को शुरू किया और पूरी दुनिया से यहूदी इसमें अपने अपने तौर पर हिस्सा डालते थे। तो इस यहूदियों की तहरीक के जो सुरखेल थे, जो लीडर थे, इन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश जो फॉरेन मिनिस्टर था उसके साथ एक पेपर साइन किया, उसको कहते हैं बेलफोर्ड डेक्लरेशन। बेलफोर्ड उस फॉरेन मिनिस्टर का नाम था। उसमें उसने कहा था 1917 में कि आप जंग में, यानी यहूदी जंग में ज़ियोनिस्ट हमारा साथ दें तो फिर हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका अलग वतन कायम करने में जहां आप चाहते हैं। अब जब पैलेस्टाइन मैंडेट सिस्टम के तहत लीग ऑफ नेशंस के जरिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया तो फिर देख लें कि बिल्ली को पहरेदार बना दिया आपने दूध का। तो उन्होंने क्या किया कि 1920 से लेके 1948 तक, जब तक इजराइल बनने का ऑफिशियल ऐलान नहीं हो गया, तब तक यहूदियों की आबादकारी शुरू कर दी। वो पहले इबादत के बहाने आते थे, फिर वो यहाँ रहने लग पड़े, फिर थोड़ा बहुत कारोबार शुरू कर दिया, फिर उनकी लोकल फिलिस्तीनियों से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो यूं करके एक केओस क्रिएट किया और बाद में उस केओस को रीजन बना के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से 1948 में मई के महीने में एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें से अचानक यकलख्त जो फलस्तीन था उसमें से आधा फलस्तीन या आधे से भी थोड़ा सा कम फलस्तीन डिक्लेयर कर दिया गया इसराइल, और बाकी फलस्तीन, तो जो इसराइल डिक्लेयर किया गया उससे फिर पुश बैक किया गया, फलस्तीनियों को दूसरी तरफ भेजा गया, और यहां से पहली अरब इसराइल वॉर हुई जो कि 1948 की अरब इसराइल वॉर कहलाती है। और उसमें अरब मुल्कों को बुरी तरीके से शिकस्त हुई क्योंकि ये निकम्मे लोग थे, इन्होंने जोश से काम लिया, इन्होंने होश से काम नहीं लिया। अगर होश से काम लेते तो ये उस वक्त निगोशिएट करते इंटरनेशनल पावर्स के साथ और जितना पैलेस्टाइन मिल गया था उसको ये स्टेट का दर्जा यूएन में दिलवाते तो आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो इसराइल बना तो इसराइलियों की उस सरजमीन का उन्हें मिल जाना, उनका वतन बन जाना, उनकी एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी थी, शायद मुसलमानों से भी ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी थी। और याद रहे कि जो ज्यूज होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, वो ये नहीं हो सकता कि मैं आज कहूं कि मैं इस्लाम तर्क करके ज्यू बनना चाहता हूं तो मैं बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज्यू की तादाद कम है, इसीलिए अब क्या है कि उस इसराइल ने खुद को एम्पावर किया, पूरी दुनिया से जौक दर जौक ज्यूज आके बसने लग पड़े इस नए मुल्क में, और ज्यूज लायक भी बहुत थे और अमीर भी बहुत थे, सबने अपना पैसा और अपनी काबिलियत पुल इन की। और फिर 6 डेज वॉर 1967 में लॉन्च की, इसराइल ने सरप्राइज अटैक किया और जितना हिस्सा उसे मिला था एज इसराइल उससे उसने काफी ज्यादा और हिस्सा जॉर्डन से, इजिप्ट से, ये सीरिया की गोलान हाइट से कब्जा कर लिया। फिर इस बात पे जो है बहुत रिजेंटमेंट आई पैलेस्टाइन के अंदर से, वहां एक तंजीम कायम हुई अल फतह जिसके सरबराह, जिसके लीडर उभरते हुए रहनुमा सामने आए यासिर अरफात, और अपना क्या कहते हैं फिर इजिप्ट ने यानी मिस्र ने और सीरिया यानी शाम ने मिल के एक प्लान बनाया कि हम अपने कब्जा किए हुए इलाके वापस लेंगे। तो इन्होंने सरप्राइज अटैक किया 7 अक्टूबर 1973, 7 अक्टूबर 1973 एग्जैक्टली वही डेट जिसमें अभी 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था। तो वो सरप्राइज अटैक से इसराइल को काफी नुकसान हुआ, इसराइल के यहाँ यौमे कपूर का त्योहार था, ईद मनाई जा रही थी, और उस ईद की वजह से जो है वो लोग अपने उस त्योहार में बिजी थे और वो सही रिस्पॉन्ड ना कर सके, वो इसराइल उसमें फंस गया। और फिर अमेरिका ने उसकी मदद की, समहाउ सीज फायर करवाया, अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इन्होंने ऑयल की सप्लाई वेस्ट को बंद कर दी, और फिर जैसे कैसे सीज फायर हुआ और पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट सामने आया, यानी कि वो वाले डॉलर्स जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करके बेच के कमाए जाएं तो उसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है। तो बताने का इसमें मकसद ये है आपको सिर्फ कि 50 साल पहले इसी डेट को अटैक किया था पैलेस्टीनियन इजिप्शियंस और सीरियंस ने मिलकर इसराइल पे, और फिर
आज जो 50 साल के बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया, तो ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस का, और वो भी उन पैलेस्टीनियंस का अटैक था जो सिर्फ गैजा में रहते हैं। खैर, देखते ही देखते ओआईसी का वजूद सामने आया, क्योंकि कुछ यहूदियों ने अलक्सा मॉस्क के अंदर जाके जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ सॉर्ट ऑफ किया। तो जो अलक्सा मॉस्क के इमाम थे, उन्होंने 1969 में अपील की तमाम मुस्लिम उम्मा के हेड ऑफ द स्टेट से कि ये किबला अवलैस के लिए कुछ करें। तो एक हंगामी मीटिंग जो बुलाई गई थी उसको ओआईसी का नाम मिला। फिर सोचा कि इसको बाकायदा तंजीम बनाया जाए, इसका चार्टर लिखा जाए, इसका फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए। तो वो सारा काम पाकिस्तान में हुआ था जब ओआईसी की सेकंड समिट हुई थी 1974 में। और तकरीबन कोई 90 की दिहाई तक तो ओआईसी ने जबरदस्त इफेक्टिवली काम किया, लेकिन उसके बाद ये ओ आई सी हो गई, और इसके बाद पता नहीं ओ आई सी या नहीं आई सी वो वाला काम हो गया। ये टूथलेस बॉडी है, इसमें मुस्लिम स्टेट्स हैं तो सही, बट उनके चूंके अपने अलग अलग मफादात हैं, तो इसलिए वो किसी भी चीज के ऊपर मिल के एक्शन नहीं लेते। लिहाजा ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी अहमियत खो चुकी है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीन और कश्मीर के काज को हुआ है। यासिर अरफात 80-90 की दहाई में इसराइली रेजिस्टेंस, सॉरी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन मजाहमत और हक के खुद इरादियत, राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो स्ट्रगल है वो उसका एक सिंबल थे, और उनको बहुत फेम भी मिला इंटरनेशनली। लेकिन 1994 में ओस्लो एकॉर्ड के नाम से एक मायदा हुआ कि जो अमेरिका ने इसराइल और इसके दरमियान करवाया, पैलेस्टाइन के दरमियान, तो उसके बाद से फिर जो है विद इन इसराइल जिस लीडरशिप ने वो एग्रीमेंट किया था, और विद इन पैलेस्टाइन यासर अरफात ये वीक होते चले गए, क्योंकि दोनों साइड की पब्लिक ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया इस मुआहदे को, और क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के एब्रप्टली खत्म हो जाने की वजह से भी टू स्टेट सोल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट ओस्लो एकॉर्ड में सामने आया था। टू स्टेट का मतलब ये एक स्टेट इसराइल और एक स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज स्टेट पैलेस्टाइन, वो पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। अब ये है कि पहले अगर पैलेस्टाइन इतना सारा था तो अब वो सिकुड़ के इतना रह गया है। एक हिस्सा है वेस्ट बैंक, एक हिस्सा है गैजा। वेस्ट बैंक को रूल करती है अलफता, जिसके अब सदर है महमूद अब्बास, और महमूद अब्बास सक्सेसर हैं यासिर अरफात के। यासिर अरफात की डेथ हो गई थी 2004 में। यासिर अरफात की डेथ के बाद, बल्कि उनकी डेथ से चंद साल पहले तक ही अलफता अपनी अहमियत खो बैठी, और ये फलस्तीनियों के जज्बात की तर्जमानी नहीं करती थी। इसको कहा जाता था कि ये हाईजैक हो गई है। तो फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिसका नाम है हमास। तो हमास ऑर्गेनाइजेशन ने यासिर अरफात की डेथ के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए जो इलेक्शंस हुए उसमें हिस्सा लिया, और वो जीत गए, लेकिन उनकी हुकूमत चलने नहीं दी गई, क्योंकि फिर महमूद अब्बास साहब क्या करते अगर इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे वो हुकूमत करते। तो इन शॉर्ट बात ये है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा चली, और उससे पैलेस्टीनियंस वीक हुए, लेकिन पैलेस्टीनियंस के अंदर से रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकी। अब वेस्ट बैंक कंपैरेटिवली पीसफुल इस तरीके से है कि वो इजराइल की हाकमियत को अपने ऊपर एक किस्म का डिफेक्टो तस्लीम कर चुका हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस सारी की सारी मिलती है गैजा से, जहां मौजूद है हमास, और वहां पे उन्होंने इंटरनल नेटवर्क्स ऑफ टनल्स बनाया हुआ है। और मुस्लिम उम्मा से जो पहले सपोर्ट मिला करती थी, अब वैसी सपोर्ट नहीं मिल पाती। सपोर्ट का फायदा तब होता है कि जब आपके नियर बाय जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको मटेरियली भी सपोर्ट करें, मॉरली भी सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो स्टेट्स सराउंडिंग स्टेट्स हैं ये सिर्फ मॉरली सपोर्ट करती हैं अब गैजा वालों को या पैलेस्टीनियंस को, मटीरियली नहीं करती, पॉलिटिकली नहीं करती। और ट्रंप ने अपने दौर में किया ये कि उसने अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया तल अवीव, जो इसराइल का कैपिटल है, उससे वेस्ट जरूशलम में।
और उसको लगता ये था कि जब अमेरिका अपनी एम्बेसी शिफ्ट करेगा तो उसके पीछे पीछे सारे यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो भी ऐसा कर लेंगे, और इस तरह से टू स्टेट सोल्यूशन की बात हमेशा के लिए दब के रह जाएगी और ये कहानी बिलाखिर इख्तिताम पहुंचेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। दो तीन स्टेट्स ने जो है ट्रंप की चीज को फॉलो किया, लेकिन ज्यादातर एम्बेसीज तक सऊदी अरेबिया और अपना क्या कहते हैं बहरीन ने, सऊदी अरेबिया ने यूएई और बहरीन और मोरक्को ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया और उससे इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड टाइज भी शुरू कर लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने नहीं किया। अलबत्ता सऊदी अरेबिया ने अपनी एयर स्पेस इसराइली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए ओपन कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा जेस्चर था। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि अनकरीब सऊदी अरब भी पैलेस्टीनियंस काज से हाथ इस तरह से उठाएगा कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इस साल 2023 में जब यूएन की मीटिंग चल रही थी एनुअल सितंबर वाली समिट, तो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान भी किया कि अनकरीब सऊदी अरब कर लेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये हो गया हमास का अटैक वाला सीन, तो सारी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई। अब इस वक्त अमेरिका जो है इस मिडल ईस्ट वाले खत्ते में अकेला इस तरीके से हो गया है कि जो अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक यूएई, वो भी अमेरिका की बात सुनने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो कहते हैं कि पहले आप इसराइल को कंट्रोल करें, इसे चुप करवाएं, इससे सीज फायर करवाएं और रिवर्स करवाएं इसकी फौजों को, फिर हम आपकी कोई बात सुनेंगे। और इसराइल है वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इलेक्शन में जाना है, और इस दफा जो मुजाहरे विद इन यूएस, विद इन यूरोप और इंटरनेशनली हुए हैं, उन्होंने वो पिछले 75 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और सारे मुजाहरे जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन हुए हैं। तो ये एक सूरत हाल बनी है, और इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अब कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द कोर्स। जी किंजा, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आपका क्या हाल है? हाँ जी, आई एम गुड टू। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये, जो भी आपने सारा पैलेस्टाइन वाला कहा, जो सारा है, इसमें यमन ने भी पार्ट किया है काफी ज्यादा, जो रेड सी सारा ब्लॉक हो गया है, अभी वहां से ट्रेड नहीं हो रही, स्ट्रेट तकरीबन बंद है, और इसमें फिर यूएस और यूके वगैरह ने भी पार्ट लिया, तो सर क्या इसका को कह सकते हैं हम कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है आगे जाके, क्योंकि ये काफी बढ़ता जा रहा है? असल में वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ी रुकावट है वर्ल्ड वॉर 3 के होने में। मिडल ईस्ट की हद तक कॉन्फ्लिक्ट एस्कलेट यानी फैल सकता है, लेकिन उधर भी अभी तक ग्रिप टाइट ही रखी हुई है कि हाथ से निकले ना, लेकिन किसी भी टाइम ये हो भी सकता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर फिलहाल ऑन द कार्ड्स नहीं है, मुश्किल ही हो, क्योंकि ये जो आज के दौर की ग्रेट पावर्स या सुपर पावर्स हैं उनको पता है कि जो डैमेज काज करेगी वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, वो डैमेज फिर इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत मुश्किलात क्रिएट करेगा। अभी तो कोविड की इकोनॉमिक रिकवरी से बाहर नहीं आ पा रही, तो फिर उसका क्या आलम होगा। तो दूसरी बात ये कि आजकल हम डिजिटल एज में रहते हैं, इकोनॉमिक्स की एज में रहते हैं, तो इकोनॉमिक की एज और डिजिटल एज जो है हमेशा स्नब करती है काइनेटिक वॉरफेयर को, यानी ये जो मारधाड़ वाली वॉरफेयर होती है उसको। ठीक है जी, फरजाद, फरजाद पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हेलो, सलाम सर। वालेकुम सलाम, अपना नाम बोलें जरा, मुझे पता चले आपका नाम फरजाद, क्या है। फरजाद फरजाद जी, फरजाद। जी सर, ये सवाल पूछना था कि सर, जो सेशन आप ले रहे हैं, जो मैराथन सेशन, विल इट बी इनफ फॉर द 2024 पेपर? बेटा अगर आपने तैयारी पहले से कोई की हुई है ना, फिर तो इनफ है, लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े हैं तो फिर आप कुछ 40-50 पे आ जाएंगे, ये हो सकता है। कुछ जादू नहीं होने जा रहा है इस सेशन में, नहीं सर, स्पेशल दिया हुआ है तो तैयारी तो की हुई है, सो तो जस्ट इट बस फिर विल फिल आपके बी लिए इनफ। इनफ है। दैट्स इट, ठीक है ठीक है ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। तौकीर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आपका क्या हाल है? मैं ठीक सर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिसेंट यूएन रेजोल्यूशंस हुई हैं या आईसीजे का कोई डिसीजन आया है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं की? मुझे ये बताएं कि इनकी लीगल बाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, या इनमें इनके क्या रिजल्ट्स मिले हैं, और इस सब में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ फॉल कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान के हवाले से बताएं, और ये जरा बताएं, और ये बताएं कि वर्ल्ड आर्डर या वर्ल्ड इंटरनेशनल सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? दो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं जैसे यूक्रेन का और इसका, ये वाला। आपने बहुत शरारती सवाल किया है। वैसे तो ये सवाल फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन से करना चाहिए जो वीकली मीटिंग होती है, मुझसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं हुकूमत या रियासत का तर्जुमान नहीं हूं यहाँ पे। लेकिन चलें, आपको मैं बता जरूर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसमें जेनोसाइड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जेनोसाइड का आसान उर्दू में तर्जमा होता है नस्ल कुशी, यानी एक मखसूस नस्ल, रंग, जबान, तारीख और सकाफत के जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं उनको मारा जाए, कत्लेआम किया जाए नाहक, तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। तो कौन लेके गया? साउथ अफ्रीका। कोई मुस्लिम कंट्री तो नहीं लेके गया? मुस्लिम कंट्री ने तो चंद एक ने कुछ सपोर्ट में स्टेटमेंट दी होगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज नोवेयर। हमारा पूरा फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन 2024 के मतलूबा नतायज लेने पर, और शायद उसके लिए इंटरनेट भी बंद करना पड़े, उसके लिए हर चीज करने पे हम तैयार हैं। हम इससे फारिग ही नहीं है कि हमें होश हो कि जो 75 साल की हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इस चीज पर बेस्ड है कि हमने पैलेस्टाइन के काज को हमेशा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया है, और हमने पैलेस्टाइन के ऊपर कभी भी इजरायली ऑक्यूपेशन एंड इजरायली यूज ऑफ फोर्स को सपोर्ट नहीं किया, राइट? अगर हमारे एंड से ओपनली किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेटमेंट ही आ जाता कि वी सपोर्ट द ड्राइव ऑफ साउथ अफ्रीका इन द आईसीजे रिगार्डिंग दिस जेनोसाइड, दैट वुड हैव बीन इनफ एट लीस्ट टू क्लियर द एयर, टू क्लियर द सिनेरियो। अच्छा, खैर ये भी नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे हलकों का ये ख्याल है कि अब हम अपने पुराने जो हैं दोस्त अमेरिका के करीब आ रहे हैं, तो जैसा अमेरिकन चाहते हैं हम भी वैसा ही करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो भी नई हुकूमत आएगी 2024 इलेक्शन के बाद, उसका कंडक्ट क्या होगा टुवर्ड्स आईसीजे डिसीजन, टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, हमास वॉरफेयर, ये चीजें ज्यादा फिर विजिबल होंगी। अभी तो एक ग्रे जोन चल रहा है कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता गलत या आउट ऑफ द वे भी हो रहा है तो उससे हम कह देंगे कि केयरटेकर गवर्नमेंट थी, ये कौन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, राइट? ये कह के हम जान छुड़ा लेंगे। आईसीजे के डिसीजंस दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओपिनो ज्यूरिस, एक होता है कंटेंशियस। तो जो ओपिनो ज्यूरिस होते हैं वो लीगल एडवाइज होती है, यानी समझ नहीं आ रहा कानून बैनुल अक्वामी क्या कह रहा है, तो फिर उसको वाजे करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए जो हेल्प ली जाती है आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, उसको ओपिनो ज्यूरिस कहते हैं। तो एडवाइजरी डिसीजन भी उसे कहते हैं। तो ये दूसरा होता है कंटेंशियस। कंटेंशियस मीन फिर आईसीजे जो फैसला देगी उसको फिर स्टेट्स को मानना पड़ता है, बाइंडिंग होता है, और फिर स्टेट्स अगर उसको फॉलो नहीं करती तो फिर उनके ऊपर सर्टेन एक्शंस लिए जा सकते हैं, और बात फिर एट द एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे ही जाके मुक जाती है, और वहां पे फिर वीटो करने के लिए यूएस तो मौजूद है ना, दैट्स इट। नदीम अख्तर जी, नदीम अख्तर अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी पहले तो यह है कि आप बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, बहुत पहले आपको देखा था, आप पता नहीं खैरियत है, ठीक है ना आप? मैं तो ठीक हूं यार, कमजोर मीन में स्मार्ट हो गया हूं फिर मेरे ख्याल से, राइट? अच्छा, सर काफी एनीवेज काफी थैंक यू फॉर पॉजिटिव। शोइंग कंसर्न। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता है, या मे बी मेरी जो मेरी थिंकिंग है, फिर ये लगता है कि पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है उसको, इसराइल को। अब ओवरऑल तो हम तस्लीम ही नहीं करते, हम उसको मुल्क ही नहीं मानते।
क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन बोले ना। क्वेश्चन ये है कि क्या ये लगता है या पाकिस्तानी अदालतों की तरह इंटरनेशनल अदालत का फैसला भी, जैसे पहले रशिया के ऊपर लगा हुआ है जो उसका प्यूटन है उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट दी जा रही है, उसका भी कोई फैसला बरामद नहीं हो रहा, इस पे होगा या नहीं होगा, कुछ लग रहा है इस बारे में या नहीं? पिछले पिछले एक साल में जिस अंदाज से पाकिस्तानी अदालतों के फैसले पसंद नापसंद की बिना पर अमल दरामत में लाए गए हैं, बैन अल-अक़वामी अदालतों के फैसले तो अक्सर औकात ऐसे ही किए जाते हैं। अगर अदालत सही फैसला दे भी देती है तो मिसाल रशिया, रशिया बहुत बड़ी स्टेट है, रशिया के प्यूटिन के वारंट जारी किए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और ग्रेट पावर्स में उसका शुमार होता है। अच्छा, रशिया को इंसान का बच्चा कौन बनाएगा? उसके लिए एक इदारा बनाया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो इदारा तो खुद मोहताज है इन बैन अल-अक़वामी ताकतों का, और रशिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके या उसके किसी क्लोज एलाई के खिलाफ कोई बात हो तो वो फिर वीटो यूज ना करे, वीटो कर ले। तो यही इस पूरे बैन अल-अक़वामी निजाम की कमजोरियां हैं या खामियां हैं जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो पा रहे। जी तो यहाँ पे भी अगर इस तरह हो रहा है, अगर हो जाएगा, क्योंकि इसराइल जो इसराइल का हामी है, एलाय है यूएसए, तो वो वीटो कर लेगा, फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ना? देखें, वीटो से फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पूरी दुनिया में गंदे हो जाते हैं। स्टेट्स को बहरहाल अपना इमेज बिल्डिंग की कोशिश करनी पड़ती है। अब अपना क्या कहते हैं, पानी गंदा हो जाए, राइट, तो वो गंदा ही रहेगा आप जब तक उसको साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसराइल चाहे अमल करे डिसीजन पे या ना करे, इसराइल पूरी दुनिया में गंदा हो चुका हुआ है और इसका बहरहाल इसराइल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और यूएस के आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन में भी ये इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू बंडल, थैंक्स। जी एहतिशाम उर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चित्राल वाला एहतिशाम, जी सर, देखिए मुझे याद है आप, बोलिए। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा सवाल पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड है सर, ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेवेंट है सर। अक्सर हमने देखा है, अगर किसी मुल्क को हम अगर कन्विंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे उनके साथ सफारती ताल्लुकात हों सर। तो अब क्या वजह है कि हम मतलब अब उनको न हम तस्लीम करते हैं, तो हम किस तरह उनको कन्विंस कर सकेंगे कि आप जो है ना ये काम ना करें, आप इस तरफ आ जाएं? तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये शुरू से किस वजह से इस तरह रही है सर? आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त है और बहुत अच्छा सवाल है, आई अप्रिशिएट दैट। देखो, एक हल्का आईआर के स्कॉलर्स का पाकिस्तान में भी है, दुनिया में भी है, जो यही बात कहता है जो आप कह रहे हो कि जब तक आपने किसी स्टेट को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, तब तक आप उस स्टेट को उसके कंडक्ट के हवाले से या किसी भी हवाले से उसको कुछ कह नहीं सकते डायरेक्टली, उसके सामने डायरेक्टली एहतजाज नहीं कर सकते, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ आपके पास मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ही बच जाते हैं, यूएन और कुछ और बॉडीज जहां पे सब होते हैं, तो फिर वो भी होते हैं, उधर तो नहीं आप किसी को रोक सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं किया? हमने अपना जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, ये जिना की जिंदगी से लेके अब तक जो हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन रही है वो ये रही है कि हमने उसको जोड़ा हुआ है टू स्टेट सोल्यूशन से, यानी जब तक पैलेस्टाइन चाहे वो छोटा है बड़ा है जितना भी है उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस पाकिस्तान में पढ़ते हैं, एक दो दफा मुझे यूनिवर्सिटी में उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो उनसे बात हुई, तो वो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जनाब हम उन तमाम मुल्कों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान बड़ा लाइक करते हैं कि जो हमारे लिए, हमारी वजह से इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो ये भी एक इसका पहलू मौजूद है, लेकिन अगेन बात वो भी ठीक है कि जब तक आपके डिप्लोमेटिक टाइज नहीं होंगे तो आप कुछ दूसरी स्टेट को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल और पाकिस्तान का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, आप सिर्फ अफवाज को या न्यूक्लियर आर्सेनल को मत देखें,
आज की दौर में स्टेट को परखा जाता है उसकी इकोनॉमिक्स और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से, उसकी सोशल एडवांसमेंट से। तो उधर इसराइल कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, ये आप खुद फैसला कर लें। जी जनाब, मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को गुड लक जो कि CSS 2024 में अपियर हो रहे हैं। जो लोग मेरे सेशन का 1 फरवरी से हिस्सा बनेंगे उन तमाम लोगों को वेलकम, और हमारा और आपका साथ रहेगा 1 फरवरी से 10 फरवरी तक मैराथन सेशंस में। अपना बहुत ख्याल रखें और ट्रस्ट योर सेल्फ। बाकी 12th फेल देख लें, अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है, जरूर देखनी चाहिए। खुदा हाफिज।